नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आज की एक और नई रिव्यू वीडियो में। भाइयों आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं न्यू हॉलैंड की तरफ से रिसेंटली लॉन्च कंपनी ने 2023 के अंदर इस ट्रैक्टर में काफ़ी बड़े बदलाव किए हैं। भाई मैं आपको एक एक बदलाव के बारे में बताऊंगा इसमें, और मैं इस ट्रैक्टर के साथ ही साथ आपको इसकी बोर साइज, स्ट्रोक साइज और इसका टॉर्क और बैकअप टॉर्क सब कुछ बताऊँगा। वीडियो में बने रहना आखिरी तक, ठीक है जी, कभी भी बता सकता हूँ मैं। तो चलिए बात कर लेते हैं शुरू में, सबसे पहले इस ट्रैक्टर के जो फ्रंट से, तो भाई फ्रंट में आपको यहाँ पर न्यू हॉलैंड का लोगो देखने को मिलेगा और सामने इसमें आपको ब्लैक कलर की जाली देखने को मिलेगी, जो कि इस ट्रैक्टर को काफ़ी अच्छे से इस ट्रैक्टर के रेजिगेटर को हवा पहुँचा और इस ट्रैक्टर का जो इंजन है वो वाटर कूलिंग सिस्टम के साथ बेस्ट तरीके से वर्क कर सके। सामने इसमें आपको कंपनी फिटेड बम्पर देखने को मिलेगा जो कि लगभग 80 किलो का होगा, ठीक है जी। चलिए अब बात कर लेते हैं इस ट्रैक्टर में पंप कंपनी कौन सा लगा कर देती है। तो भाई इसके अंदर आपको माइकोवॉस का 3 सिलेंडर एल लाइन पंप ही देखने को मिलेगा और उसी के जस्ट बगल में आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं डीजल की फिल्टर, जो फ्यूल फिल्टर है उसकी पोजीशन यहाँ पर दी गई है। डबल इसमें आपको प्राइमरी और सेकेंडरी डीजल फिल्टर देखने को मिलेगा और ऑयल फिल्टर की पोजीशन भी वहीं पर दी गई है, ठीक है जी। इस ट्रैक्टर के रेजिगेटर में पहले से काफ़ी बदलाव किया हुआ, इस ट्रैक्टर का जो रेजिगेटर है वो काफ़ी बड़ी साइज का कर दिया है, ठीक है जी। और यहाँ पर इसमें आपको सेफ्टी के लिए कंपनी इसमें आपको जाली लगा के देती है जिससे कि सेफ्टी भी बनी रहे और ट्रैक्टर को अच्छे से हवा मिल सके। चलिए अब बात कर लेते हैं इस ट्रैक्टर की पावर स्टीयरिंग के बारे में। तो भाई इसके अंदर आपको कंपनी सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग ही ऑफर करती है। यदि इस ट्रैक्टर के अंदर डबल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग कंपनी लगा कर देती तो और भी अच्छा रहता, ठीक है जी। चलिए अब बात कर लेते हैं इस ट्रैक्टर के जो ऑपरेशन एरिया है, तो भाई वहाँ की बात करते हैं। तो भाई चलिए इस पे ऊपर चढ़ने के लिए इसमें कंपनी सिंगल फुट स्टेपर ही कंपनी ऑफर करती है। वहीं अगर बात करें इस ट्रैक्टर की सीट के बारे में, तो भाई सीट भी कंपनी ने मल्टी एडजस्टेबल, किसान भाई अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको इस ट्रैक्टर के ऊपर ही चढ़ कर लेकर चलता हूँ। तो भाई ऊपर से कुछ इस प्रकार इस ट्रैक्टर का व्यू है। वहीं अगर बात करें इस ट्रैक्टर की स्टीयरिंग के बारे में, तो भाई इसमें आपको काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज़ की, काफ़ी छोटी साइज़ की 3-स्पोक स्टीयरिंग देखने को मिलेगी। स्टीयरिंग के अंदर ही आपको न्यू हॉलैंड का लोगो देखने को मिलेगा। सामने की विजिबिलिटी की बात करें, तो भाई सामने की विजिबिलिटी एकदम क्लियरली ऊपर से दिखता है। और चलिए अब बात कर लेते हैं इस ट्रैक्टर की सीट की कुशन के बारे में। तो कुशन भी काफ़ी आरामदायक है, किसान भाई यदि लंबे समय तक यदि चलाएँ तो भी इस ट्रैक्टर पर थकते नहीं हैं। वहीं अगर बात करें इस ट्रैक्टर के ब्रेक टाइप के बारे में, तो भाई इसके अंदर आपको फुल्ली तेल में डूबे हुए ऑयल नट्स ब्रेक ही देखने को मिलेगा। एज ट्रैक्टर है, क्लच टाइप की बात करें तो भाई इस ट्रैक्टर में आपको डुअल क्लच एवं सिंगल क्लच ऑप्शन में मिल जाती है, ठीक है जी। चलिए बात कर लेते हैं इस ट्रैक्टर के मीटर कंसोल के बारे में। तो भाई इस ट्रैक्टर में आपको एनालॉग और डिजिटल का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। वहीं अगर बात करें इस ट्रैक्टर की गेयरबॉक्स के बारे में, तो ये जो ट्रैक्टर है वो फुल्ली साइड शिफ्ट गियर लीवर के साथ आता है, ठीक है जी। इस साइड आपको हाई लो का लीवर देखने को मिलेगा और इस साइड आपको 1, 2, 3, 4 और रिवर्स इस साइड देखने को मिल जाएगा, ठीक है जी। इस ट्रैक्टर की गेयरबॉक्स भाई फुल कॉन्स्टेंट मैस गेयरबॉक्स की कंपनी इसमें डाल के देती है। और भाई सीट के जस्ट बगल में इसमें आपको डीसी एंड पीसी लीवर देखने को मिलेगा। यह जो ट्रैक्टर है वो लिफ्टोमेटिक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिफ्टोमेटिक की बटन देखने को मिल जाएगी। इससे क्या होता है कि भाई लीवर आप ड्राफ्ट एंड पोजिशन लीवर एक जगह सेट कर दो और इससे आप लिफ्ट को ऊपर नीचे आसानी से कर सकते हैं, ठीक है जी। आप यहाँ पर आपको इसमें पार्किंग ब्रेक यहाँ पर दिया हुआ है जो कि किसान भाई काफ़ी आसानी से इसको डिसएंगेज और एंगेज करते हैं। इस ट्रैक्टर में आपको डिफरेंशियल लॉक भी कंपनी डाल के देती है, कई कंपनियों ने देना बंद कर दिया क्योंकि इसकी जो असेंबली है वो काफ़ी महंगी आती है, इसके जो पार्ट्स हैं वो काफ़ी महंगे आते हैं, ठीक है जी। और यहाँ पर इसमें आपको 12 वोल्ट का सॉकेट देखने को मिलेगा और सीट के नीचे ही आपको इसमें आपको सीट को एडजस्ट करने के लिए इसमें आपको सीट का लीवर दिया हुआ है। वहीं अगर बात करें इस ट्रैक्टर के बोनट के बारे में, तो भाई इस ट्रैक्टर का जो बोनट है वो डबल फीस के साथ खोलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं चैनल दिया हुआ है, यहाँ से आप एक फीस ये खोल सकते हैं और यहाँ पर दिया है इससे ये खोल सकते हैं, ठीक है जी। यदि इस ट्रैक्टर को सिंगल फीस कंपनी बनाती तो और भी बेस्ट रहता। इस ट्रैक्टर में आपको हेलोजन बल्ब के साथ इसमें आपको हेडलाइट देखने को मिल जाएंगी और यहाँ पर इसमें आप देख सकते हैं पीटीओ का लीवर यहाँ पर दिया हुआ है जो कि भाई यह जो ट्रैक्टर है वो 7 स्पीड के साथ आता है। ऑप्ट्रा पीटीओ इस ट्रैक्टर में आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं हेडलाइट की स्विच, मेन हेडलाइट की स्विच ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पर दिया हुआ है और यहाँ पर इसमें आपको इंजन कट ऑफ लीवर यहाँ पर दिया हुआ है। किसान भाई इस ट्रैक्टर के पिछले हिस्से में भी कंपनी ने काफ़ी बड़ा बदलाव किया हुआ है। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ। तो भाई वहीं पिछले टायर की बात करें, तो भाई इस ट्रैक्टर के अंदर आपको 13-6 28 का पिछला टायर कंपनी डाल के देती है और टायर के साथ ही इसमें आपको रिम के अंदर बेट लगा के देती है, जेरिकन बेट लगा के देती है, ठीक है जी, जिससे कि इस ट्रैक्टर की जो स्लिपेज है वो खत्म हो जाए। अगर बात करें इस ट्रैक्टर के फ्रंट टायर साइज के बारे में, भाई इसके अंदर कंपनी 6016 का टायर डाल के देती है और यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 वर्ष की वारंटी कर दी कंपनी ने आप, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रेक लाइट के विथ इंडिकेशन लाइट यहाँ पर दिया हुआ है टेंडर के अंदर ही।
अगर बात कर लेते हैं इस ट्रैक्टर के यार एक्सल के बारे में, भाई इसके अंदर आपको पहले इसके अंदर आपको हाफ रेड एक्सन वाला इसमें आपको रेयर एक्सल देखने को मिलता था, लेकिन अब कंपनी ने उसको चेंज करके काफ़ी हैवी ड्यूटी दुनिया का सबसे महंगा ट्रिनिटी ड्राइव ईपी साइकिल एक रिडक्शन वाला इसमें आपको रेयर एक्सल कंपनी डाल के देती है। और इस ट्रैक्टर के जो टॉप लिंक के अंदर आपको 3 पॉइंट लिंक सेंसिंग देखने को मिलेगी और यहाँ पर आपको रिफ्लेक्सर प्लेट और 2 लीटर तक का बॉटल कप होल्डर भी कंपनी ऑफर करती है। और यहाँ पर इसमें आपको सिंगल DCB वाल्व कंपनी लगा के देती है। यदि इस ट्रैक्टर के अंदर आपको डबल डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व या ऑब्जिलरी वाल्व लगा के देती तो और अच्छा रहता, ठीक है जी। और यहाँ पर आपको ट्राली में यदि इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है तो भाई यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का सॉकेट देखने को मिलेगा। मैं अगर बात कर लेते हैं इस ट्रैक्टर की PTO पावर के बारे में तो भाई इसके अंदर आपको 30 HP की 6 स्प्लाइन तगड़ी PTO पावर देखने को मिलेगी। वहीं अगर बात कर लेते हैं इस ट्रैक्टर की लिफ्ट कैपेसिटी के बारे में तो भाई इसके अंदर आपको 1800 किलोग्राम की तगड़ी लिफ्ट कैपेसिटी देखने को मिल जाएगी। इस ट्रैक्टर में आपको जैक लगा के स्टेबार लगा के नहीं दिया, इसमें आपको चैन सिस्टम देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी समय के बाद इसमें आपको जंग लग जाती है तो किसान भाई इसको एडजस्ट करने में काफ़ी दिक्कत आती है, ठीक है जी। चलिए अब बात कर लेते हैं इस ट्रैक्टर के बोर साइज के बारे में। भाई कंपनी ने इस ट्रैक्टर का जो बोर साइज बनाया है वो 95 mm का और जो स्ट्रोक साइज है वो 127 mm का, ठीक है जी। अगर बात कर लेते हैं इस ट्रैक्टर के टॉर्क के बारे में तो भाई इस ट्रैक्टर में आपको 160.7 Nm का टॉर्क मिलता है। और बैकअप टॉर्क की बात करें तो भाई 20 से 21% इसमें आपको बैकअप टॉर्क देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर इसमें आपको डबल टेंडम पंप देखने को मिलते हैं जो कि एक पावर स्टेयरिंग का, दूसरा इसमें आपको हाइड्रोलिक लिफ्ट का है। यहाँ पर आपको काफ़ी बड़ी साइज का हाइड्रोलिक फिल्टर भी कंपनी ऑफर करती है। यहाँ पर आपको फाइबर का टूल बॉक्स कंपनी ऑफर करती है, ठीक है जी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मडघाट पे इंडिकेशन लाइट और यहाँ पर आप देख सकते हैं पैडी स्पेशल और पेनेट्री ड्राइव का भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, ठीक है जी। चलिए अब बात कर लेते हैं इस ट्रैक्टर के इंजन के बारे में। तो भाई इस ट्रैक्टर में आपको 3 सिलेंडर 2500 cc का नॉन टर्बो तगड़ा इंजन मिलता है जो कि किसान भाइयों लगभग 2000 engine rate RPM पर चल के अपनी जो 45 HP की मैक्सिमम पावर है वो जनरेट कर देता है। किसान भाइयों यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जय जवान जय किसान।